नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए बढ़ते हैं आज की छोटी बड़ी खबरों की ओर। कोरबा में किचन में मिली महिला की जली हुई लाश आंगनबाड़ी सहायिका के पद पर थी कार्यरत। जंगल गया था पति, हत्या की आशंका। कोरबा में एक महिला की लाश उसके घर पर किचन में जली हुई हालत में मिली है। इस घटना की सूचना इलाके में आग की तरह फैल गई। देखते ही देखते ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हो गई, जिसके बाद इसकी जानकारी पुलिस को दी गई। जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की संदिग्ध मान जांच कार्रवाई में जुट गई है। पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। ये पूरा मामला बांगो थाना क्षेत्र के ग्राम डूमर मुड़ा की है। 45 वर्षीय ब्रज कुंवर की लाश उसके ही घर के किचन में मिली है। महिला जली हुई हालत में मिली है। महिला के शरीर का अधिकांश हिस्सा जल चुका है। मृतका आंगनबाड़ी सहायिका के पद पर कार्यरत थी। महिला अपने पति के साथ अकेले रहती थी। पति गया हुआ था जंगल। बताया जा रहा है कि महिला अपने पति के साथ अकेले रहती थी। उसका एक 20 साल का बेटा भी है जो बोरवेल में काम करने बाहर गया हुआ है। वारदात वाले दिन महिला का पति गांव के पास जंगल गया हुआ था। जब पति जंगल से वापस घर पहुंचा तो उसकी पत्नी जली हुई हालत में मिली। इसके बाद पति ने इसकी जानकारी गांव वालों को दी। फॉरेंसिक टीम व पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस कर रही है मामले की जांच। सूचना पर बांगो पुलिस व कटघोरा पुलिस मौके पर पहुंची और घटनाक्रम की जानकारी लेते हुए मृतका के परिजनों का बयान दर्ज कर आसपास लोगों से पूछताछ शुरू की। कटघोरा एसडीओपी पंकज ठाकुर ने बताया कि घटना की सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची। फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया। मामले की जांच की जा रही है। ये बांगो थाना क्षेत्र अंतर्गत है, एतमा नगर करके है, जिसमें सूचना मिली कि एक महिला है 46 साल की लगभग, वो अपने ही घर में जली हुई अवस्था में पाई गई है। उसी चीज़ के लिए अभी जांच पड़ताल चल रहा है, आगे की कार्रवाई की जा रही है।